हाँ वीर, क्या हुआ? मिहिर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ? क्या हुआ आँख को? वही थोड़े दूर पर लगा है वीर, आ क्या हुआ? लगी आँख पे, पर ज्यादा बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए, स्टिल आँख में दर्द है नहीं तो? सब ठीक हो गया, बट थोड़ा सा लाइक जो होते हैं जो अभी नॉर्मल जैसे नहीं हुआ, जो आग थोड़ा थोड़ा डार्क है, अच्छा अच्छा इसलिए लाइट करने के लिए हम लोग मेकअप डालते हैं। ठीक है बाकी उनको सब अच्छे से दिख रहा है। कौन किधर है अभी तक बोल सकते हो आप किधर हो? चल बे, आप इधर हो ना? चल रहे आप इधर चल रहे इधर हो। रजनीत ने ना मुझे धोखा दिया, मुझे बोला मैकडोनल्ड्स जाएंगे, वहाँ ब्लॉक करेंगे ये वो। फिर बाबू यूट्यूब पकड़ के बैठ गया, मैं क्या ही ब्लॉक करूँ, एक तो मुझे कॉपीराइट जो लगेगा वो अलग, एंड उसका इंटरेस्ट नहीं था। आज मैंने कार में उसकी ही गंदी तरीके से रैगिंग की, मतलब तू रुक, मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ तू देख। अभी वो लोग बाल कटाने गए, मैं भी जाता हूँ, आज उसका बाल कटाने का वीडियो बनाता हूँ, उसको क्या हालत करता हूँ देखो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसको। आज मम्मी भाभी को भी आने का मन था, बट भैया बोला नहीं, तुम लोग को लेके जाता हूँ, मेरा बहुत खर्चा होता है, मैं तुम लोग को लेने नहीं वाला, तुम लोग घर पे रहो। तो आज भैया मैं और वीरी निकल के आए हैं, एंड भैया चिल कर रहा, मुझे गाड़ी पकड़ा दिया है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बिकॉज पटिया साइड जब जाना होता है भैया ड्राइव नहीं करता, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, वो मुझे पकड़ा देता है, एंड वो यूजुअल रूट है मेरा, तो मुझे आदत है, इसलिए मैं चला दिया। बट ऐसे भैया डजंट ट्रस्ट मी ड्राइविंग को लेके, तो वो मतलब हम दोनों जब गाड़ी में रहते हैं तो वो ही ड्राइव करता है, ही यूजुअली डजंट ट्रस्ट मी, बट अभी थोड़ा दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दे रहा है। हाय वीर, कट क्या कट? इस सीन को कट किया जाए, एडिटर साहब इस सीन को कट किया जाए। ए एडिटर मैं ही है, मैं ही एडिटर है। आप ही एडिटर है, इसलिए तो वो लोग एडिटर साहब को कट किया जाए। बक तको नोंडा करो, नोंडा टकला करो, टकला टकला करो, इसको टकला करो। बैक टू रेगुलर शेड्यूल, अभी जा रहा हूँ चिकन मैरिनेट करूँगा, देन वर्कआउट, उसके बाद इमीडिएटली कुक एंड ईट। फिलहाल तो इतना ही है, एंड आई फील लाइक चिकन का रेट कम था, या तो मेरे से फॉर सम रीजन रेगुलर कस्टमर बोल के कम लिया, आई डोंट नो, जो भी है पता नहीं क्या चीज़ है, शायद से रेगुलर हूँ या क्या, तो मुझसे चिकन का वो पैसा कम लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, मस्त मिल गया मुझे। अभी जा रहा हूँ मैरिनेट खत्म करते हैं, एंड इट्स अराउंड 7:45, तो 5-10 मिनट मैरिनेट खत्म करूँगा, चेंज करके आके 8 बजे वर्कआउट, 8:45 थोड़ा बहुत करेंगे, फिट रहेंगे, बिकॉज शादी का सीजन था, लास्ट वीक दबा के खाया हूँ, वर्कआउट जीरो, और इट्स टाइम टू बर्न सम कैलोरीज। मील इज रेडी, अभी खत्म करते हैं फिर चलते हैं, 9:10 हो गया है, खा के फटाफट चलते हैं। आगर क्या चल रहा है? घट रहा है। हैप्पी बर्थडे बिफोर एंड। धन्यवाद। अब एक और पैदा हो जाएगा उसको हैप्पी बर्थडे मटन क्यों नहीं खा रहे हैं? बर्बाद हो चुके भाई, दो प्लेट है यहाँ पे, मैं जाऊंगा, मैं खाता खाता रहूँ भाई साहब, दोनों पढ़। तू क्यों बचे, तेरा मुंह भी ले आते, जल्दी इधर आना, बाद में खाएगा बर्थडे नहीं। अरे भाई लॉजिक चलो।
साइड अल्लाह ये पूरा खा गया चलिए अल्लाह थैंक यू सो मच हाय बेटू हाय अरे बाप रे नहीं 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 नो फाइटिंग नहीं नो फाइटिंग नो फाइटिंग नो फाइटिंग नो फाइटिंग कैसा लगा बढ़िया मार खा के अच्छा लगा नहीं मैं तो वीडियो बना रहा हूँ मैं थोड़ी तेरे तरफ देख रहा हूँ मैं थोड़ी तेरे तरफ देख रहा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ हाँ वेट 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 ओ बाप रे तो भैया का रूम का काम होगा उस वजह से देखो वो टेबल और उसका दीवान तो आ गया था यहाँ पर माइक का एंड प्लाई आके रखा हुआ है काम चालू होगा एंड ये रहा बक बक ए ए क्या 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 थोड़ा दिखा मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ तो क्या करते हैं ना दिखा दिखा मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ क्या क्या होगा रेंदे तू रेंदे तू रेंदे 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 नहीं होगा तू पहले बॉल कंट्रोल सीख फिर स्किल्स पे जाना अरे यार रुक जाना मेरे बाप नहीं हुआ तू पहले बॉल कंट्रोल सीख खाली स्किल्स जब देखो 24 घंटा स्किल्स फुटबॉल ढंग से खेल ले मैं ठहरा आलसी मैंने जैसे देखा कि वीर दो दिन पहले स्कूल नहीं गया एंड उसका सबमिशन भी पोस्टपोन हो गया तो मैंने सोचा कि क्राफ्ट वर्क बाद में करते हैं उसको मैं चिल करने में रह गया एंड अभी मेरे पास और दो दिन है उसका सारा खत्म करने के लिए आज स्टार्ट कर देता हूँ शाम के 5:30 बज रहे तो थोड़ा अभी थोड़ा करूंगा रात को थोड़ा करके सोच रहा खत्म कर दूंगा रिलैक्स जाएगा वो अपने स्कूल में दिखा के मार्क्स लेके आ जाएगा तो बच्चों का क्राफ्ट एंड मेरे लगते सही है अभी वीर है वीर के बाद देव का चालू होगा आई कैन इमेजिन एक तो ये अल्फाबेट्स काटने में ना हालत खराब हो रही है तो हैप्पी बर्थडे लिखना है इतना बड़ा है मैंने जो प्रीवियसली दो काटे थे मैंने उसको डिस्पोज कर दिया बिकॉज वो ठीक शेप में नहीं काटे थे तो मैंने फिर से काटना स्टार्ट किया तो मैंने पेपर कटर लिया एंड शुरू हो गया कर रहा हूँ 6:15 हुए हैं 6:30 तक सोच रहा करूंगा जितना होगा काट लूंगा और उसमें भी जस्ट फिनिश इट ऑफ एंड देन 7:15 आसपास वर्कआउट के लिए निकलूंगा खत्म करूंगा देन रात को बाकी का कंटिन्यू करूंगा थिंकिंग दैट लेट्स सी फाइनली वीर का पहला वाला क्राफ्ट इज डन उसको पैक करके रख दूंगा ताकि वो स्कूल में जाके दिखा सके मैं शो यू दिस इज इट मतलब इसको बनाने में ना मेरी फट गई पता है बिकॉज दिखता बड़ा सिंपल है बट वो अल्फाबेट का कटिंग करना इज सो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए मेरा बी देखो कैसा बना है उसको ऐसा लगता नकुआ मार गया बट अगेन राइटिंग कटिंग देन पेस्टिंग ये अल्फाबेट वाला काम इतना कॉम्प्लिकेटेड था मैं 5:30 बैठा 7:30 हो गए खत्म करते करते फाइनली इट्स डन आई जस्ट पैक इट अप एंड वीर स्कूल लेके जाएगा एंड बाकी और एक बचा है वो रात को मैं करूँगा और कल दोपहर को और आज पेशेंस नहीं है एंड जस्ट रियलाइज्ड वेल पैकिंग कि मैंने बर्थडे का स्पेलिंग अल्फाबेट आगे पीछे कर दिया था ध्यान नहीं रहता सब सेम दिख रहा ना इसलिए ठीक कर दिया मैं डोंट वरी देखो बिफोर एनी वन ऑफ यू कंप्लेंस फिक्स कर दिया है मैंने वो बस डी और एच आगे पीछे हो गया था ये है सुबह सुबह का सीन देव बाहर आएगा नहीं बाहर बाहर मत तो भैया अभी कैसे वार्डरोब का सब ये कैबिनेट खुल चुका है इसका भी कैबिनेट खुल चुका है
बिकॉज माइक का चेंज होने वाला है एंड मैंने शावर नहीं लिया बिकॉज मुझे फ़ोन करके मम्मी ने बोला कि तू बिना नहाए धोए बस फ्रेश होकर थोड़ा मुँह हाथ धो के आ जा, देव को रखना। आ गया मैं क्या देव को रखूँ, ये देखो उसका हाल है। बेटो इज नॉट लिसनिंग, अभी थोड़ा इनका काम चलेगा उसके बाद जाके मैं शावर लूँगा आराम से, मत पूछो। देव एंड इज शडविंग, एक जगह ढंग से नहीं रहता, मेरे को दौड़ा रहा है, कुछ सुला रहा है वो फ्रेंड्स। कर देव, ये ला देव के लिए हम लोग लाए थे गोवा से। देव गाड़ी चला है? हाँ? गाड़ी चलाओ। ले डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। तो अभी वीर का दूसरा क्राफ्ट चल रहा है, इट्स अ क्रिसमस ट्री, इट्स इन द मेकिंग राइट नाउ, बट आई बिलीव मैंने थोड़ा ट्री का गर्थ बड़ा कर दिया है। लेट्स सी हाउ डस दिस कम्स आउट, देखते हैं कैसा क्या बनता है, आई डोंट नो, लेट्स सी। ख़त्म करते पहले, 3:15 हुआ, वीर को 4 बजे ट्यूशन जाना है, तब तक देखते हैं कितना बन पाता है। एंड आई जस्ट होप इट टर्न्स आउट टू बी गुड, वरना ब्लंडर, फिर से नया बनाओ। तो अभी ये इतना कंप्लीट हुआ है, मैं जा रहा हूँ वीर को ट्यूशन छोड़ने, उसको ड्रॉप करके आके आई फिनिश दिस अप। मुझे अंदर जाके बोलना पड़ेगा कि अगर देव बाहर आते तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत सारा सामान बाहर है, तो मुझे सब ऐसे सब सॉर्ट आउट करके जाना पड़ेगा। So finally a lot of hard work, this Christmas tree is ready, I know the color is something different, but adjust कर लो, क्या करें। अब जो पेपर अवेलेबल था मार्केट में मैंने वीर के लिए बना दिया, मैंने उसको बोल दिया कि तू एडजस्ट कर लेना, यही कलर मिला। I know the tree is never dark, light green, but क्या करें, the base is dark green, बाहर का light green है, and बस है वैसा ही है, बना दिए, क्या करें। So this is the tree, ready, दोनों craft done, I am free to go. तो रिसेंटली मैं अपनी एक वीडियो देख रहा था सीना पुरानी M10 का, एंड आई रियलाइज दैट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वीडियो ज़्यादा यूट्यूब में नहीं है, एंड माई वीडियो वॉज सेकेंड मोस्ट व्यूड वीडियो इन यूट्यूब, और नहीं थे, एंड मतलब हिंदी में वो सेकेंड नंबर पे, एंड आने वाले समय में आई गेस वो मोस्ट व्यूड वीडियो रहेगा उस प्रोडक्ट का। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एट द सेम टाइम वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज जब मैं वो वीडियो क्रिएट कर रहा था, लाइक उस टाइप के मैंने जितने भी वीडियोस क्रिएट किए वो सारे वीडियोस इतने क्रिएटिव थे एंड द व्यूज यूज टू स्काई रॉकेट, एंड अभी मैं जो डेली व्लॉग कर रहा हूँ इसमें व्यूज तो आ नहीं रहे, फिर बीच में मैं इनकंसिस्टेंट रहा, सब्सक्राइब लोग नहीं कर रहे, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एंड आई जस्ट रियलाइज कि आई एम किलिंग दैट क्रिएटिव पार्ट मेरा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरा जो क्रिएटिव साइड सप्रेस हो रहा है, मुझे खुद को बहुत बुरा लगा देख के कि आई यूज टू बी सो क्रिएटिव, इतना अच्छे वीडियोस में बनाता था, एंड अभी ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, डेली व्लॉग कर रहा हूँ इनफैक्ट, बट अगेन कंपटीशन इज टू हाई एंड मेरे वीडियोस चल नहीं रहे, तो मैं वही सोचा था कि व्हाट हैपेंड, व्हाई आई एम फीलिंग सो डीमोटिवेटेड, सो दिस इज द रीजन, बिकॉज एक टाइम मेरी वीडियोज 20K व्यूज क्रॉस कर चुके हैं कई सारे वीडियोस, एंड अभी 70-80 व्यूज मुश्किल से आते हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है। देखते हैं, कल भैया का बर्थडे है, तो आई एम थिंकिंग कि कल एक व्लॉग करके आई जस्ट टेक अ ब्रेक अगेन, रोड ट्रिप होगा तो निकल जाएंगे, एंड क्रिएटिवली थोड़ा एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या व्यूज होता है। बिकॉज बालाकुमारी राइड जो मैंने किया था उसमें व्यूज ढंग के आए, बाकी अगेन इट्स गोइंग डाउन डाउन डाउन, तो आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड अभी, तो मुझे वो अपने अंदर का क्रिएटिव कीड़ा जगाना पड़ेगा, कुछ कॉन्टेंट सोचना पड़ेगा, ढंग का कुछ बनाना पड़ेगा, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। आई हैव टू यू नो चेंज द टैक्टिक्स, वरना नहीं होगा। आज भी मैं शाम को बाहर गया था फ्रेंड्स के साथ, बट आई डिड नॉट व्लॉग बिकॉज आई वॉज इन फीलिंग दैट एनर्जेटिक, बाइक पे गया था इनफैक्ट, तो मैंने मोटो व्लॉग भी नहीं किया, आई डोंट फील दैट गुड। कोई ना, मैं आज के लिए वीडियो को बस इतना ही रखना चाहता हूँ,
बाकी देखते हैं आगे क्या होता है. एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड. मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.